मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनीश कुमार केमिकल पॉइंट से। हम लोग क्लास नाइन्थ में पहली यूनिट स्टार्ट किए हैं बायोलॉजी में, तो उसमें हमने आपको ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इसको हमने बता दिया। आज मैं हम आपको सेल के बारे में डिफाइन करूँगा कि सेल क्या होती है। इसके पहले जब हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म हमने पढ़ा था उसमें हमने ये पढ़ा था कि इसके अगर ये न्यूट्रिशन करता है, ये न्यूट्रिशन करता है, या फिर ये रिप्रोडक्शन करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है, अगर ये सब प्रक्रियाएं करता है तो उसे हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा, अब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोडक्शन करता है, जो कि न्यूट्रिशन करता है, जो कि रेस्पिरेशन करता है, अगर ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ बॉडी उसकी शेप में होगी, किसी न किसी शेप में होगी। अगर शेप में होगी तो इसका मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उसका ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि उसकी बॉडी है। कुल मिलाकर ये है कि अगर कोई भी जीव है तो उसकी बॉडी होगी। अगर उसकी बॉडी है तो वो बॉडी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी होगी, और इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। अब ये तो पता चल गया आपको सेल कहाँ होती है। सेल कहाँ होती है? बॉडी के अंदर। अब बॉडी किसकी होती है? ऑर्गेनिज्म की होती है। ऑर्गेनिज्म की बॉडी किस प्रकार से होती है कि अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसका कुछ ना कुछ संगठन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये बॉडी शेप में आएगी। अगर बॉडी शेप में आती है तो वो किसके कारण आती है? सेल के कारण आती है। इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय किसके बने हैं भाई? सेल के बने हैं। इसका मतलब हमको सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल क्या है। तो सेल क्या है इसकी डिफिनीशन हम आपको बता देते हैं। इसकी डिस्कवरी हमने आपको बता दी एक बार, किसकी डिस्कवरी? रॉबर्ट हुक ने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप से जब कार्क को देखा था तो उनको कुछ इस प्रकार से कंपार्टमेंट नज़र आए थे जिसको उन्होंने सेलुला नाम दिया था, बाद में उसे सेल बोला गया। तो इस प्रकार का उन्होंने स्ट्रक्चर देखा था जिसे हम लोग सेल बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे चैम्बर थे इसी को बाद में सेल बोला गया। सेल को लिविंग थिंग बोला जाता है। सेल क्या होती है? लिविंग होती है। आगे कैरेक्टर पढ़ेंगे हम सेल का, तो उसमें आप देखेंगे कि सेल के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे हम आपको सेल की डिफिनीशन बताते हैं कि सेल की डिफिनीशन क्या है। देखिए, सेल किसे कहते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या होता है? किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर भी होगा सेल के कारण, स्ट्रक्चर भी होगा, और उसका उसी सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी क्रिएट होंगे। इसका मतलब ये है कि सेल स्ट्रक्चर बनाती है और फंक्शन करती है, इसी को हम सेल बोलते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर क्या होती है? सेल होती है। अब यहाँ पे हम आपको सेल का टाइप बताते हैं। देखिए, सेल का टाइप क्या है? देखिए, सेल के टाइप जो हैं वो कई प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या? टाइप ऑफ सेल में हम सबसे पहला जो बेस पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, संगठन के आधार पर, केंद्रक के संगठन के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि जो केंद्रक होता है। और केंद्रक क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ।
ये जो न्यूक्लियस है उसके ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर हम यहाँ पर अगर हम सेल को डिवाइड करते हैं तो सेल के दो टाइप आते हैं। फर्स्ट आपका, आप लोग सुने होंगे इसके बारे में, नहीं सुना तो हम आपको बताते हैं कि ये दोनों टाइप्स हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं इसको और इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। अगर हम सेल का टाइप देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस तो दो टाइप मिलते हैं। इसको हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बोलते हैं। अब हमको ये देखना है कि प्रोकैरियोट किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है और यूकैरियोट किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल आप दे सकते हैं, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, बीजीए है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बीजीए बोला जाता है, बीजीए। इसी का एक नाम और है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये इसके एग्जांपल हैं। और पीपीएलओ भी है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ भी है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बैक्टीरिया, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, पीपीएलओ, ये सभी किसके एग्जांपल हैं, प्रोकैरियोट्स के। अब प्रोकैरियोट होता क्या है ये देखिए, इसमें अगर हम आपको बोलें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक को, देखिए इसमें दो वर्ड है आपको, प्रोकैरियोटिक किस प्रकार से लिखते हैं, तो उसमें प्रो ये देखिए और कैरियोटिक, प्रो और कैरियोटिक। तो देखिए प्रो का मतलब क्या है, प्राथमिक, प्राइमरी, मतलब प्राथमिक, या इसी को आद्य बोलते हैं, आद्य। अब कैरियोटिक, कार्यान, कैरियोटिक का मतलब यहाँ पे कार्यान है, कार्यान। अब ये जो कार्यान है, कार्यान का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें प्राइमरी टाइप का या प्राथमिक प्रकार का या आद्य प्रकार का न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित होता है, उस प्रकार की सेल को हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, ऐसी सेल जिसमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक उपस्थित होता है उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ये किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, बीजीए में पाई जाती है, साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है और पीपीएलओ। बैक्टीरिया तो आप लोग जानते होंगे, जो बीजीए है ये एल्गी है, एल्गी मतलब एक शैवाल होता है जिसे आप लोग नाली या पानी के टंकी के पास में आराम से देख सकते हैं। तो ये जो शैवाल है, ठीक है, शैवाल में, और शैवाल को ही हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इधर पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, उस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाती है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में किस प्रकार से सेल होगी ये देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से होगा। अगर हम एक सेल का स्ट्रक्चर बनाएं, यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए यहाँ पर एक सेल का स्ट्रक्चर, एक टिपिकल सेल बनाते हैं, एक टिपिकल सेल बनाते हैं, एक टिपिकल सेल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक टिपिकल सेल बना दिया, तो ये इसमें देखिए कई पार्ट्स होते हैं। अगर हम प्लांट सेल बनाएंगे तो उसमें ये देखिए इस प्रकार से हम एक सेल बना देते हैं यहाँ पर। अब सेल बना दिए हैं, तभी देखिए यहाँ पर कि इसमें जो है ना, इस प्रकार का जो है इसमें आउटर शेप में क्या हो जाएगा, ये सेल वॉल हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम ये तो प्लांट सेल हो गया, अगर हम ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बना दें, देखिए यहाँ पर, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। बैक्टीरिया में देखिए, हम यहाँ पर एक बैक्टीरिया बना देते हैं इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है। इसके ऊपर जो है एक लेयर है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, मोटी लेयर है इसके ऊपर,
चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह कर्व से बना सकते हैं। ये मोटी लेयर है, अब ये मोटी लेयर है, इसके नीचे एक लेयर है। एक नीचे लेयर होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक नीचे और लेयर होगी जो कि सेल मेम्ब्रेन की होगी। तो ये देखिए, हमने इसके ऊपर एक मोटी परत चढ़ा दी और इसके बाद एक नीचे लेयर बनाते हैं इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन की, जो कि एक्टोप्लाज और एंडोप्लाज को डिवाइड करेगा, अलग करेगा, ठीक है। यहाँ पर और इसी में फोल्डिंग कर देते हैं। इस प्रकार से कुछ संरचनाएं पाई जाएंगी इसके अंदर, इसी में फोल्डिंग हो जाएगी। और बाकी जितना भी मटेरियल होगा, ये डीएनए और जो भी राइबोसोम होंगे, आरएनएज होंगे, वो सभी इसकी के अंदर ही रहेंगे, ठीक है। बाकी इसके अंदर पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म होगा। अगर सेल सेल की बात करेंगे तो सेल जो है ना, वो एक्चुअल में देखिए, सेल के दो पार्ट होते हैं। ये जैसे मान लीजिए एक सेल बना दिया हमने यहाँ पर इस प्रकार से, अभी नाम लिखते हैं सबका। तो सेल के अंदर का पार्ट और सेल के बाहर का पार्ट, ठीक है। तो इसके सबसे बाहर में अगर प्लांट सेल होगा तो सेल वॉल होगी, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगी, उसका न्यूक्लियस होगा, बाकी सब सभी सेल ऑर्गन्स होंगे इसके अंदर। तो इसके आगे का जो है, हम नेक्स्ट वीडियो में सेल के बारे में देखेंगे कि व्हाट इज सेल, और टाइप ऑफ सेल देखेंगे सेल की, और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे किस प्रकार से होता है, जो है हमारा प्लांट सेल किस प्रकार से होता है, एनिमल सेल किस प्रकार से होता है, क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और हो सके तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और इसके आगे का जो स्ट्रक्चर है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।